फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे, जो कि मैंने अपना सारा काम कर लिया था और नाश्ता भी मैंने कर लिया था। तो आज तो सुबह ही जल्दी धूप निकल गई है, 2-3 दिन से तो अच्छी धूप निकल रही है। तो फाइनली आज भी काफ़ी अच्छी धूप निकली है। सुबह सुबह मैंने अपने बाल भी धुल लिए, तो आज मैं सुबह ही नहा ली थी, तो नाश्ता भी मैंने सुबह ही कर लिया था। तो अब देखते हैं वीडियो में आगे करते क्या है। मम्मी ने आलू बनाए हुए हैं, तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा आलू खाने की, तो मन कर रहा है कि कुछ बाहर का खा लूं। तो देखते हैं आज क्या खाते हैं हम। मैगी तो हमने कल परसों ही खाई थी, तो आज नहीं खाएंगे हम मैगी। आज समोसे या पेटीज वगैरह खाएंगे अगर मिल गई तो, क्योंकि दोपहर में तो मुश्किल ही दुकानें खुलती हैं अगर खुल गई तो। समोसे की तो शायद दूर है मार्केट, तो गिरी शायद ना जा पाए, तो हम पेटीज का कुछ प्लान कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। ठीक है, तो वीडियो को देखना एंड तक, स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग। और वो इंटरेस्टिंग क्यों होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग इसलिए होगी क्योंकि आज का व्लॉग जो होगा वो मेरे से रिलेटेड होगा। अब सारी बातें तो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, तो आप वीडियो को देख के खुद ही देखना कि वो मेरे से रिलेटेड क्यों है। सो प्लीज वीडियो को देखना पूरा। प्लीज गया अभी पेटीज लेने के लिए, जो कि हमें भूख लग रही है काफी तेज। हमें आलू की सब्जी अच्छी नहीं लगी, तो देखते हैं ग्रीस को पेटीज मिल सकती है या नहीं। तो ग्रीस लेके आ गया है पेटीज, जो कि अब हम खाने वाले हैं। ग्रीस काफी थक चुका है बेचारा और आरती भी रेडी होने लग रही है खाने के लिए तो अब हम सब खाएंगे पेटीज। तो खाने के बाद हमें काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी टेस्टी लग रही थी, काफ़ी अच्छी बनी हुई थी वो। और आरती भी बताएगी कैसी लगी आरती। अच्छी थी भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी। काफ़ी मज़े किए हमने। गिरीश तो खा पी के पबजी भी खेलने लगा, अंदर कर रहा है ठुस 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 तो अब मैं बनाऊंगी रोटी, जो कि मैंने सीख ली है बनानी, मतलब कोई एक दो खराब बन जाते, वैसे तो अधिकतर मैं अच्छी बना लेती हूँ। तो अब मैं दिखाऊंगी कि मैं रोटी कैसे बनाने लगी हूँ। ठीक है, फाइनली मैंने आटा गूंद दिया, इधर मैंने हॉट केस भी रख दिया, ये मेरा बेलन। और अब मैं बनाऊंगी रोटी, तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि मैं कैसी रोटी बनाने लगी हूँ। तो मुश्किल काम है भाई, पर सीखना तो पड़ता ही है। तो तवा भी प्रॉपर तरीके से गर्म नहीं हुआ है, थोड़ी देर में हो जाएगा। जो कि आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके की बनाई है रोटी, हो चुका है तवा गर्म। तो बार बार चेक भी करना पड़ता है कि रोटी ये सिक गई है नहीं, तो ये अभी एक साइड से हो गई है, मतलब कि सिक चुकी है एक साइड से वो। अभी कच्ची है वो, सिक चुकी है भाई, अब मुझको सेकनी है ये। जिसके है अभी सियो को हमको। तो फाइनली मेरी रोटी बनी है कुछ इस तरीके की, जो कि इतनी गोल बनी है, बस इससे ज्यादा गोल नहीं मैं बना पाई। तो अभी मैं छोटी छोटी रोटियां ही बनाती हूँ, तो फिलहाल इस तरीके की सीखी है। तो आई होप आपको ये रोटी अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ भाई, मैंने बहुत मेहनत से सीखी है। मैंने दूसरी रोटी इस पे डाल दी। आओ, फाइनली ये वाली रोटी भी मेरी सीख चुकी है, जो कि इस तरीके की है, वो सही बनाने लगी हूँ भाई, मुझे इतना पता है।
और कैसी रोटी बनती है ऐसी तो बनती। फ्रेंड्स मैंने बना ली है रोटी जो कि बनी थी कुछ इस तरीके की, तो अब मैं इसको कर दूंगी बंद क्योंकि रोटी इससे गर्म रहेंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी रोटी मतलब जो भी मैंने आटा गूंदा था सब फिनिश कर दिया है, और आप देख सकते हो कि मैंने कितनी गंदगी करके रखी है। लास्ट में मैंने एक आर्ट भी बना दिया सॉरी इसके लिए। तो आप देख सकते हो कि आप भी ऐसा कोई गंदा करके बनाते हो भाई, मेरे से तो होता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से भाई रोटी बनानी सीखी है जो कि ज्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं आई है मुझे बनानी, पर रोटी तो मैंने सीख ली है, बस सब्जी बनानी रह रही है क्योंकि मैंने कुछ कुछ सीखी है, ज्यादा नहीं आई है मुझे अभी बनानी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरी शादी शायद इतनी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मेरे से बड़ी तो आरती है, आरती की होनी थी, पर जब मेरे रिलेशन का पता लग गया तो ये हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो अब मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना सीखना पड़ा। तो फाइनली मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं इससे भी अच्छे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।